Hello friends, welcome you on YouTube channel Math and GK Tricks. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम, मतलब जो प्रमुख स्थान है उनको किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिस भी फ्रेंड ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि जो नई वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सफ़ेद हाथियों का जो देश है उसको सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, ये है लाओस। और नील नदी की देन है मिस्र। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। पूर्व का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड। मध्य रात्रि के सूर्य का देश है ये नॉर्वे। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। संसार का रोटी भंडार उत्तरी अमेरिका का प्रेरिज मैदान। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। सूर्योदय का देश जापान को। पवित्र भूमि यरूशलेम को। चीन का सूख हवांग हो नदी को चीन का सूख कहा जाता है। सात पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम को। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। दुनिया की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। पिरामिडो का देश मिस्र। निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत में है जो। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। लोंग का द्वीप जंजीबार अफ्रीका में। इंटरनल सिटी रोम। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली में है जो। अटालिकाओं का शहर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो प्रमुख स्थान थे उनके जो भौगोलिक उपनाम थे उसके बारे में बात की। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिस भी फ्रेंड ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी फ्रेंड्स दसवीं कक्षा में है वो दसवीं कक्षा के मैथ एनसीईआरटी मैथ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।